नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या आप एक टीचर हैं और आप अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे में आप वीडियो जरूर बनाते हुइएगा। और वीडियो बनाते हुइएगा तो साथ में आप वीडियो की एडिटिंग भी जरूर करते हुइएगा। तो ऐसे में ही हम आपके लिए एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर लेके आए हैं, जिसके माध्यम से आप अपने वीडियो को प्रोफेशनली तरीके से एडिट कर पाएंगे। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है और इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि हमने इसमें इस सॉफ्टवेयर के एक एक फीचर को डिस्कस किया है, इसमें बताया है काफी बारीकी से। तो अगर आप उस चीजों को स्किप कर दीजिएगा तो हो सकता है कि वो जो चीजें मैंने आपको इसमें बताया है उस फंक्शन के बारे में आप नहीं समझ पाएंगे, तो फिर आप उस चीजों को आप अपने वीडियो में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आइए इसके लिए चलते हैं हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सर्च बार में या यहाँ पे URL है, इसमें टाइप करना पड़ेगा EASEUS करके। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। हमें जो ये फर्स्ट में आपको दिख रहा है डेटा रिकवरी बैकअप, इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें बहुत सारी चीजें दी गई है। अभी हम इस वेबसाइट में बात करेंगे वीडियो एडिटिंग के बारे में, तो चलिए हम उसके लिए चलते हैं। यहाँ पे वीडियो एडिटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक फ्री ट्रायल, दूसरा है बाय नाउ। जैसे हम बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अगर आप इसे 1 मंथ के लिए परचेज करना चाहते हैं तो $17.97 आपको लगेगा। 1 ईयर के लिए लेना चाहते हैं तो $29.97 लगेगा। अगर आप लाइफ टाइम के लिए इसको लेना चाहते हैं आप, तो $79.95 जो है डॉलर आपको इसमें देना पड़ेगा। अब डॉलर को इंडियन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे $2INR और जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अभी देखिए $1 का 75.86 चल रहा है इंडियन करेंसी में, तो आप यहाँ पे इंटर करके देख सकते हैं। जैसे 17.97 को हम देखते हैं, 17.97 ये करीबन 1363.12 रुपीज हो रहा है इंडियन करेंसी में, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर आप लाइफ टाइम वाला देखते हैं, लाइफ टाइम वाला जो है 79.95 ये आपके हो जा रहे हैं 6,064.65 रुपीज। ये आप इतना में यानी कि 6,000 में आपको ये लाइफ टाइम के लिए मिल जा रहा है ये वीडियो एडिटिंग। अगर आप फ्री ट्रायल करना चाहते हैं पहले इसको, तो आप यहाँ पे देखिए फ्री ट्रायल का ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक करके हम इसे डाउनलोड करते हैं। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड नीचे की तरफ, यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो रहा है। अब हमारा जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, तो चलिए हम इसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आप डाउनलोड में जा सकते हैं या आप यहीं पे क्लिक करके आप यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे रन का ऑप्शन आएगा, रन पे क्लिक करेंगे। जैसे रन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे जो जिस लैंग्वेज में रखना चाहते हैं, चलिए मैं इंग्लिश ही रखूंगा, तो यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, आप यहाँ पे इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद क्रिएट ए डेस्कटॉप शॉर्टकट पर क्लिक करके सेलेक्ट करके आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। जैसे फिर इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद ये जो है सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल होने लगेगा। उसके बाद आप यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद आपके डेस्कटॉप पे कुछ शॉर्टकट इस तरह से बनेगा, ये इसका लोगो है, हम इस पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे आप, वहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं, पोर्ट्रेट का है, वाइड स्क्रीन है। अगर पोर्ट्रेट मोड आप तब कर सकते हैं जब अगर आप मोबाइल के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आप इस मोड पे बना सकते हैं। 9:9:16 का रेशियो रहता है इसमें। और इस अगर आप यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो आप 16:9 पे क्लिक करेंगे वाइड स्क्रीन पे, और इस पे क्लिक करके आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं क्योंकि हम यूट्यूब के लिए बना रहे हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस एप्लीकेशंस का आता है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, इम्पोर्ट के लिए दे रहा है कि आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक टू इम्पोर्ट वीडियो फोटो एंड म्यूजिक, ठीक है, और इम्पोर्ट बाई ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से भी आप इस पे कर सकते हैं। चलिए इस पे ओके क्लिक करते हैं। चलिए हम इसे थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। देखिए यहाँ पे शुरू में ही आपको एक मीडिया का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप फोटो वीडियो को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम आपके सामने बहुत सारे टेक्स्ट आ जाते हैं। इस टेक्स्ट को आप यहाँ पे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। उसी तरह आप जैसे इस पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और मिल जाता है ट्रांजिशंस का, हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी ट्रांजिशन अगर आप यूज करना चाहते हैं आप अपने प्रोजेक्ट में, तो आप इस पे क्लिक करके डाउनलोड करके आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे ऑप्शन आपको एलिमेंट्स का मिल जाता है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप इसमें से किसी भी एलिमेंट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप देखते हुएगा कोई वीडियो चलता है तो उसमें एक काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है 1, 2, 3, तो उस तरह की चीजें होती है, उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। तो आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके, डाउनलोड करके आप अपने वीडियो में इसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं म्यूजिक का ऑप्शन मिलता है, तो म्यूजिक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे म्यूजिक के ऑप्शन आ जाते हैं। आप चाहते हैं जिस तरह के भी म्यूजिक अगर आप अपने प्रोजेक्ट में यूज करना चाहते हैं, आप इजिली आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके आप उसे यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक वीडियो को एडिट करते हैं, और एडिट करके इसमें देखते हैं कि इसका जो फंक्शन है वो कैसे वर्क करता है। तो जैसे कोई वीडियो को अगर आप एडिट करना चाहते हैं उसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे क्लिक, यहाँ पे दो चीजें आएगी, फर्स्ट में आएगा इंपोर्ट फाइल, सेकेंड में आएगा इंपोर्ट फोल्डर। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, फोल्डर भी यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं फाइल लेता हूँ, सिंगल एक वीडियो ले लेता हूँ मैं, और थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये वीडियो है, इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओपन क्लिक करना है, ये यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक वीडियो मैंने पहले से ले रखा है, तो चलिए अब इसको यहाँ पे लाना है। ठीक है, ये क्या होता है, लेयर्स बोलते हैं इसको, इस पे लाना है। इसको दो तरह से ला सकते हैं, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा आपको, और इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे इस पे लाते हैं तो देखिए ये हमारा वीडियो यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ से हमारी शुरू होती है एडिटिंग, कैसे करना है, क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं, पहले हम वो फंक्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे आएंगे तो देखिए विंडो का फंक्शंस मिलता है, आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो यहाँ से इस तरह से गायब हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर इसे लाना है तो आप इस पे क्लिक सकते हैं तो ये फिर से आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्ले करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर वीडियो को एडिट करना है तो ये ऑप्शंस मिलता है, यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शंस मिलता है। स्प्लिट का मतलब होता है कट करना, वीडियो को आप जहां से कट करना चाहते हैं, जिस पार्ट को हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, आप यहां से कर सकते हैं। देखिए यहां से डिलीट का ऑप्शंस मिलता है, जिसको आप कट करेंगे उसको चाहे वहां से रिमूव करना, डिलीट करना, तो इजीली आप यहां पे क्लिक करके कर सकते हैं। ये क्रप का होता है, अगर आप वीडियो को क्रप करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे जूम का ऑप्शन मिलता है, किसी पर्टिकुलर पार्ट को अगर आप जूम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिलता है। देखिए यहाँ पे फ्रीज फ्रेम, आप अपने पर्टिकुलर वीडियो के किसी फ्रेम को अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं तो उसको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको फ्रीज भी कर सकते हैं। सेट ड्यूरेशन, आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड वॉइस ओवर, मतलब आप यहाँ पे अपने वॉइस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे स्पीच एंड टेक्स्ट कन्वर्टर, यानी कि अगर आप कुछ चीजें बोल रहे हैं और वहां पे जो आपको वीडियो के नीचे लिखा हुआ है वही चीजें, तो जैसे सब टाइटल जिसको बोलते हैं, वो चीजें आपको यहाँ से कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि इसको, वीडियो के थोड़ा से पार्ट को अगर हम कट करते हैं तो कैसे कर पाएंगे। तो देखिए मान लेते हैं ये पार्ट है, अगर हमें यहाँ पे कट लगानी है तो देखिए इस पे सीधे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो यहाँ पे कट आ जाती है। थोड़ा सा हम इसको आगे ले लेते हैं और यहाँ पे कट लगा देते हैं।
तो यहाँ पे आ जाती है कट, देखिए कट आ गया। अब कट आ गया अगर इस वीडियो के बीच में, ठीक है, देखिए इस तरह से आप कट लगा सकते हैं। इसको अगर कट हटाना है तो इस पे क्लिक कीजिए, इस पे क्लिक कीजिए, कट आपका यहाँ से गायब हो जाएगा, देखिए ठीक है, कट आपका यहाँ से चला गया। अब दूसरा ऑप्शन है टैक्स, हम टैक्स को कैसे लिखेंगे। टैक्स कोई भी टैक्स अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, कोई भी टैक्स आप यहां से ले सकते हैं। सपोज मैंने ये डाउनलोड कर रखा है, आप यहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड है तो मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये यहां पे आ जाता है। उसके बाद हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा ये एरिया क्या है, स्क्रीन एरिया बोलते हैं इसको। इस पे जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इसको इजीली एडिट कर पाएंगे, जो चीजें आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया मुकुंद कुमार, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जिसमें रखना चाहते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको आता ही होगा, नाने का सवाल बहुत ही कम आते हैं, बहुत कम लोगों को है जो ये चीजें नहीं आती है। और यहाँ से आप टेक्स का कलर चेंज कर सकते हैं, जो कलर आप रखना चाहते हैं वो कलर रख सकते हैं। अब इसको आप यहाँ से एरिया, जहाँ जिस एरिया में आप ले जाना चाहते हैं उस एरिया में जाकर इसको छोड़ देंगे, और इसको देखिए प्ले करके आपको सारी टेक्स आपको यहाँ, ठीक है, तो इस तरह से आप एडिट कर पाएंगे। और दूसरा फंक्शन हम लोग सीख लेते हैं, तो चलिए इसी में से थोड़ा सा पार्ट को हम उड़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे चलिए कट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको ले रहे हैं। तो यहाँ पे करते हैं और ये करते हैं, और इस पार्ट को हम लोग डिलीट करना है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट पे जाएंगे, देखिए ये पार्ट डिलीट हो गया। हमको इसको भी डिलीट करना है, इस पे क्लिक करेंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे। अब आता है कि हम दूसरा वीडियो यहाँ पे ले लेते हैं, अब इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखते हैं, देखिए इस तरह से ये आ गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शंस और है ट्रांजिशंस का, अब इसको कैसे लगाएंगे हम इसमें, तो देखिए ये दोनों वीडियो के बीच में गैप है, अब हमको यहीं पे लगाना है। दो वीडियो को जब हम कंबाइन करते हैं, उसको जोड़ते हैं, तो जो थोड़ा देर का जो गैप होता है उसमें जो हम कोई इफेक्ट लगाते हैं उसको हम ट्रांजिशंस बोलते हैं। तो सपोज ये आपको जो लगाना होगा इसमें से चूज करके करने के लिए आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा, उसको लगा सकते हैं। मैंने इसमें कहीं एक डाउनलोड कर रखा है, तो देखिए ये डाउनलोड है मेरा, हम इसी को लगाते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, मेरा यहाँ पे लग चुका है। तो कैसे दिखेगा ये देखिए, हम इसको प्ले करके देखते हैं, ये देखिए इस तरह से दिखा रहा है, क्योंकि ये इस तरह का है। और कोई हम दूसरा लेके देखते हैं, कोई दूसरा डाउनलोड है, जैसे हम ये ले लेते हैं, देखिए डाउनलोड हो रहा है, चलिए डाउनलोड हो गया। अब हम यहीं पे कट लगा देते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं इसको, ठीक है, अब इसको प्ले करके देखते हैं, देखिए तो इस तरह से आप इसमें फिट कर सकते हैं। चलते हैं दूसरे फंक्शन की तरफ। दूसरा जो फंक्शन है, आपको यहाँ पे एलिमेंट्स का ऑप्शन मिलता है, हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, आप इसको नीचे से ले ऊपर से नीचे की तरफ स्लॉट करेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। इसको यूज कैसे करना है, तो इसको बेसिकली जो यूज किया जाता है दो वीडियो का जो कट होता है वहां पे यूज किया जाता है। आप ऐसे जहाँ यूज करना चाहें आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं, वहाँ पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसे दो वीडियो को कंबाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसमें यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है डाउन का डाउनलोड का साइन, आप इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप इसे यूज कर पाएंगे। चलिए मैंने एक डाउनलोड कर रखा है ये वाला, तो मैं इसे यूज करता हूँ। यूज करने के लिए आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या जो प्लस का साइन है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये अपने आप वहाँ पे सेट हो जाएगा, देखिए मेरा सेट हो चुका है। तो चलिए हम इसे प्ले करके देखते हैं, जैसे आप इसे प्ले करेंगे मेरा यहाँ पे कट था, उसके बाद ये कुछ इस तरह का आएगा। दो वीडियो को कंबाइन करने के लिए आप कोई भी आप इसमें चूज कर सकते हैं, तो इस तरह से आप एलिमेंट्स का यूज कर पाएंगे आप अपने वीडियो के एडिटिंग में। ये चीज आती है अगर आप कोई म्यूजिक लगाना चाहते हैं, तो आप म्यूजिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे म्यूजिक का भी ऑप्शन मिल जाता है। कोई भी अगर बैकग्राउंड में म्यूजिक अगर आप देना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से कोई भी म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ, तो ये डाउनलोड हो रहा है, जैसे डाउनलोड हो जाएगा
इजिली आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसे लगा सकते हैं। चलिए ये डाउनलोड हो चुका है, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे म्यूजिक हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा। देखिए इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये देखिए म्यूजिक आ चुका है हमारा। अब इसको आप जहाँ चाहेंगे वहाँ ले जाके लगा सकते हैं इजिली, इसमें कोई बात नहीं है। इजिली आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप इसको छोटा बड़ा जो भी करना चाहेंगे आप इसे यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जिस एरिया तक आप रखना चाहते हैं वो आप इजिली इस पर रख सकते हैं, ठीक है। और एक फंक्शंस और है जो इम्पोर्टेंट है, वो हम आपसे थोड़ा सा शेयर करते हैं। जैसे इसको हम यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये प्ले करते हैं हम इसको, ठीक है, प्ले करते हैं, और उसके बाद इस वीडियो में जो अब यहाँ पे शुरू होता है, तो इस पार्टिकुलर एरिया में अगर हम इसको जूमिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे, देखिए यहाँ पे अगर कुछ टाइप हो रहा है तो हम यहाँ पे इसको पॉज करेंगे। और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको जूम का, हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इस तरह का आ जाएगा। अब इसको जहाँ पे लेके जाएंगे, जैसे हम इस एरिया पे लेके जाते हैं यहाँ पे टॉप पे, देखिए ये आ रहा है जूम का, ठीक है। हम इस पर फिक्स करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। जब हम इसको प्ले करेंगे थोड़ा सा बैक करके, तो देखिए ये एरिया पार्टिकुलर जूम होके आएगा आपके सामने, देखिए इस तरह से। तो आप इस तरह से आप अपना वीडियो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से इजिली एडिट कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। अब हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। आप जिस तरह के फाइल में अगर आप अपने वीडियो को सेव करना चाहते हैं आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। चलिए मैं MP4 रहने देता हूँ। यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी नाम, जैसे मैं लिख देता हूँ मुकुंद डेमो वीडियो वीडियो, ठीक है। यहाँ पे आप लोकेशन चूज कर सकते हैं, कौन से लोकेशंस पे आप इसे सेव करना चाहते हैं। मैं डेस्कटॉप चूज कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कौन सा रिजोल्यूशन रखना चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप एक अपने अकॉर्डिंग जिस पे रखना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। मैं एज इट इज रहने देता हूँ, ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे एक आता है एक्टिव, एक आता है इवेलुएट। अब हमें क्या करना है, इवेलुएट पे क्लिक करना है। हम जैसे इस पे क्लिक करते हैं हमारा वीडियो जो है एक्सपोर्टिंग होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका फाइल कितना बड़ा है, जितना बड़ा फाइल होगा उतना ज्यादा आपको टाइम लगेगा, जितना छोटा आपका वीडियो रहेगा उतना जल्दी हो जाएगा। तो चलिए हमारा जो है एक्सपोर्टिंग हो रहा है, हम इसे देखते हैं। चलिए अब हमारा जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो चुका है, यहाँ पे लिख रहा है एक्सपोर्ट कम्प्लीटेड, तो हो चुका है। आप यहाँ से चाहें तो प्ले करके देख सकते हैं, ये वहाँ पे फाइल पे जा सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस भी कर सकते हैं। चलिए हम क्रॉस कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपना वीडियो इस सॉफ्टवेयर के यूज करके एक प्रोफेशनल वीडियो आप इजिली बना सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कॉमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करें, आप अपने दोस्त फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले।